नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये वीडियो पर्टिकुलरली डिस्कॉर्ड मेंबर्स के लिए है और ये वीडियोस आप सब लोगों के लिए भी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती थी कि आप लोग हमें टीच करिए, आप मुझे पढ़ाइए, मुझे पर्टिकुलर ये कोर्स चाहिए आप लोगों का, तो और मुझे आप लोगों की पेड क्लाइंट्स कॉल चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें एक जगह लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो मैं अपना कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ उस कोर्स में मैं क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, बट मैं एडवाइजरी कॉल्स जो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ पेड क्लाइंट्स को, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा और किस तरीके से प्रोवाइड करवाऊंगा, क्या बेनिफिट्स हैं। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको मैं कैसे ऐड करने वाला हूँ, उनको क्या क्या चीज़ें करनी है, तो ये सब चीज़ें उन सब लोगों के लिए है। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है हमारा कोर्स लेने में और प्लस उसके साथ ही हमारी एडवाइजरी कॉल्स भी लेने में, कौन से स्टॉक्स मैं बाय करता हूँ, स्विंग ट्रेड, BSE, तो आप इस वीडियो के एंड होने के बाद हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो हमारे कोर्स का नाम है द मेकिंग ऑफ अ स्टॉक पिकर, ये हमारे कोर्स का नाम हमने रखा है द मेकिंग ऑफ अ स्टॉक पिकर। अब हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि मैं क्या क्या आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट कैटेगरी है, इस फर्स्ट कैटेगरी के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे होते हैं, बट जो मैं जनरली यूज करता हूं, देखिए आप मार्केट पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत बहुत कुछ पैटर्न्स है, अनलिमिटेड पैटर्न्स है, अनलिमिटेड चीजें हैं, सारी चीजें सीखना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो चीज सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होती है, जो चीज सबसे ज्यादा चार्ट्स में दिखती है, जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा चार्ट्स में होती है, हमें सिर्फ उसी में फोकस करना है। हमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें उतना ही ज्ञान चाहिए जितना हमारी मदद कर पाए स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग मेरे से सीखना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, तो जितना मैंने सीखा हुआ है मैं एग्जैक्ट उतना आप लोगों को सिखाऊंगा, और जो मैंने सीखा हुआ है, जिसमें मैं सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, वही सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं कैंडलस्टिक के अंदर पैटर्न्स। अब उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जनरली बनता है, बनते बहुत सारे, रिलायबल कितने हैं सारे, वो सारे पैटर्न्स मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगा। डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न आपको बताऊंगा। मैंने यूट्यूब पे दो वीडियोज एक बिल्कुल बनाई थी स्टॉक से रिलेटेड, लाइव स्टॉक्स के एग्जाम्पल दिए थे और अगले दिन हम लोगों ने मार्केट में उसे वॉच भी करा था, बहुत अच्छा इनकी परफॉर्मेंस रही थी, किस तरीके से एप्लीकेबल करना है, किस तरीके से ढूंढते हैं, किस तरीके से बनता है, वो सारी चीजें हो गई। हेड एंड शोल्डर हो गया, वेज पैटर्न हो गए, कप एंड हैंडल हो गया, फ्लैग एंड पेनेंट हो गया, ट्राइंगल पैटर्न हो गया जिसके अंदर सिमेट्रिकल असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल्स आते हैं, चैनल्स हो गए, और हाउ टू थिंक लाइक बिग इंस्टीट्यूशंस। मैं यहाँ लिख सकता था हाउ टू ट्रेड लाइक बिग इंस्टीट्यूशंस और FIIs। हमें उनकी तरह ट्रेड नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो ट्रेड करते कैसे हैं और वो मार्केट में काम कैसे करते हैं, हमें उनकी तरह बस सोचना है, हमें उनकी तरह ट्रेड नहीं करना, हम अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। मैंने अराउंड 150 से ऊपर बच्चों को पढ़ा चुका हूँ मैं अभी तक, और मैंने पूरे टाइम जितना भी उन लोगों को पढ़ाया मैंने डेली चार्ट्स में सारी एनालिसिस करी, बट मेरे पास उनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक मिनट के चार्ट में भी एक्सपर्ट हैं, 15 मिनट के चार्ट्स में भी एक्सपर्ट हैं। तो सीखा तो उन लोगों ने मेरे साथ पूरा टाइम डेली चार्ट में था, बट वो एक्सपर्ट 1 मिनट और 15 मिनट में भी बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग होता है माइंडसेट, सबका सोचने का और ढूंढने का तरीका अलग होता है। अगर मैं 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट में आऊंगा तो मेरा दिमाग ज्यादा नहीं चलेगा कि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि मेरा पहले से ही माइंड और माइंडसेट बना हुआ है डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पे। तो सबका अलग अलग है, ठीक है। आप लोगों को अपने आप मार्केट में काम करते करते पैटर्न्स को समझते हुए आपको अपने आप पता चलते रहेगा क्या क्या नई नई चीजें बन रही है। तो हाउ टू थिंक लाइक बिग इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आप लोगों को देने वाला हूं, और वो ही डेफिनेटली होता है, और डिमांड एंड सप्लाई जोन जिसके बेसिस पे मेरी ज्यादातर वीडियोस बनती है, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन है, ये आप लोगों को पूरा पढ़ाया जाएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है गाइस। इसके अलावा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा हार्मोनिक पैटर्न्स। बहुत पहले मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड नहीं करता था, मैं हार्मोनिक पैटर्न्स पे ट्रेड करता था, और जनरली इनका बस बॉटम ढूंढना जो होता है, इनका जो एक रिवर्सल होता है, वो रिवर्सल ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर मार्केट एक सिंपल रैली में चल रही है, हल्के 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 ऊपर बढ़ती है, या फिर मार्केट हल्के 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 नीचे आती है, सिंपल एक रैली होती है,
तो मार्केट पे इन स्टॉक्स इन पर्टिकुलर पैटर्न्स पे ट्रेड अगर आप करोगे तो 90% करेक्ट जाओगे। बट अगर मार्केट वॉलेटाइल है, हम देखते हैं सुबह ऊपर खुलती है फिर नीचे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो फिर आप लोगों के लिए इन पैटर्न्स में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और रिवर्सल्स फाइंड करना इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये पैटर्न्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट मैं जनरली फोकस करूंगा इन पे ज्यादा ना फोकस करा जाए, ठीक है। हमारे लिए प्राइस एक्शन मेनली है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं इंडिकेटर्स क्यों नहीं आप लोगों को बता रहा, तो गाइस क्या अभी तक आप लोगों ने मेरे एक भी वीडियोस पे इंडिकेटर्स देखे हैं? नहीं। मैं आप लोगों को एक इंडिकेटर सिर्फ बताऊंगा, MACD। इसमें भी कुछ सिखाने लायक नहीं है, एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इस इंडिकेटर का यूज करना है और इसके अलावा कुछ भी आपको यूज नहीं करना, वॉल्यूम्स भी यूज नहीं करना है। मैं वॉल्यूम्स के बेसिस पे भी ट्रेड लेके देख चुका हूँ, कोई काम में नहीं आता। अगर आप लोग 15 मिनट या 5 मिनट के ट्रेड टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो हाँ, वॉल्यूम्स आप लोगों के लिए मदद कर सकती है, बट अगर आप डेली चार्ट से लेके मंथली चार्ट में काम करना प्रेफर करते हैं तो वॉल्यूम्स भी आपका ज्यादातर साथ नहीं देगी, ठीक है। तो ये थे कुछ पैटर्न्स। एक और चीज है हमारे कोर्स में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बियॉन्ड टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अलावा रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग प्लान्स कैसे बनाए जाते हैं, मार्केट में इंट्राडे के कैसे प्लान बनाए जाते हैं, वॉच लिस्ट कैसे बनाई जाती है, चार्ट आर्ट बताया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो माइक्रो इम्पैक्ट्स, किस तरीके से किस चीज में क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे, तो उससे कैसे बचना चाहिए, न्यूज बेसिस पे कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। अब ये पूरा कोर्स आप लोगों को बताया जा रहा है, बस इसमें रिक्वायरमेंट एक है। वो रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए स्टॉक मार्केट की या चार्ट की। दूसरी चीज, आपको कैंडल्स को देखना आना चाहिए कि मतलब क्या हाई है क्या लो है। एक कैंडल अगर मैंने ये बना रखी है, ये एक कैंडल है, तो इस कैंडल को देखकर आप बता पाओगे ये क्या इंडिकेट करिए, क्या हाई है क्या लो है, क्या आप देख सकते हैं क्लोज है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग बता पाते, ये बेसिक चीज है, ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और आप लोगों को स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस की टर्मिनोलॉजी, मतलब टर्म्स की, डिमांड जोन क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सपोर्ट का मतलब क्या होता है। ये छोटी छोटी चीजें गाइस आप लोगों को पता होनी चाहिए। और हमारा कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है वो अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप जाके यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं या गूगल पे सर्फिंग कर सकते हैं, वहां पर आपको पता चल जाएगा। बेसिक चीजें आप लोगों को आनी जरूरी है। और ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जाती है, मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट ट्रेंड लाइन, बस आपको ट्रेंड लाइन अपने चार्ट्स में लेके लाइन बनाना तो आपको आता ही होगा ना, बस इतनी चीजें आप लोगों को चाहिए, आगे का मैं सारा आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये थी हमारा कोर्स प्लस। अब आते हैं एडवाइजरी पे, जो मैं क्या क्या आप लोगों को एडवाइस करने वाला हूँ, जो मैं अपने पेड क्लाइंट्स को करता हूँ। आप देखते होंगे मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, तो वो मेरे भी होते हैं, मेरे क्लाइंट्स के भी होते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम आप लोगों को इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड करवाएंगे, स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स होंगे, होल्डिंग्स होगी, होल्डिंग्स इन द सेंस हो गया कि एक महीने से लेके तीन महीने तक की होल्डिंग्स, और स्विंग ट्रेड के अंदर आ गया लेस देन वन मंथ, ये दो दिन भी हो सकता है, ये एक हफ्ता भी हो सकता है। BTST हो गया कि अराउंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मार्केट अभी ओपन है, मार्केट ओपन है, तो हम लोगों ने आपको अराउंड 3 PM आप लोगों को स्टॉक्स रिकमेंड कर दिए जब मार्केट बंद होने वाली है, और अगले दिन जब मार्केट ओपन होगी और प्रॉबेबली स्टॉक्स हम देखते हैं कि गैप अप ओपन होते हैं, तो तब हम वहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं BTST, स्टॉक्स आई एम बाई, जो स्टॉक्स प्रेफरली मैं बाय कर रहा हूँ, मैं भी मार्केट में बाय करता हूँ, रोज बाय करता हूँ, बट वो इंट्राडे नहीं होते, मैं उसे होल्डिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो कौन से स्टॉक्स मैं बाय कर रहा हूँ, किस रीजन से बाय कर रहा हूँ, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये एडवाइजरी के अंदर ये सब कुछ है, ठीक है। अब आते हैं कि इन सब की फीस क्या है और वो सारा कुछ, और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिटेल्स, कि ये क्या डिटेल्स हैं। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं बता देता हूँ, 24 घंटे के अंदर मैं अभी आपको जो और आगे चीज दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप कैसे ऐड हुए हैं, ठीक है। अब डिटेल्स बता देता हूँ, स्टार्टिंग डेट कब है, स्टार्टिंग डेट है 10th of October को, ठीक है, जो कि पड़ रहा है सैटरडे, जो अपकमिंग सैटरडे है वो है 10th of October को, तब हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। क्लासेस के क्या रहेंगे, सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, दो दिन क्लासेस होंगी, और अगर कभी भी वो चेंज करना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मंडे को लेना हो या ट्यूजडे को लेना हो, तो हम आप लोगों को एडवांस में पहले से ही बता देंगे, ठीक है। टाइमिंग्स क्या रहेंगी, 1 बजे से लेके 3 बजे तक की टाइमिंग्स रहेंगी,
ठीक है, रिकॉर्डिंग एक्सेस यस, जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, कोई लोग होते हैं जो काम में बिजी हो जाते हैं या फिर उन्हें कहीं इमरजेंसी के लिए जाना पड़ जाता है या फिर वो लोग देख नहीं पाते हैं वीडियोस, तो उन लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी भेज दी जाएंगी और जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी रिकॉर्डिंग्स भेज दी जाएगी कि मेरे समझाने के बाद, मेरे पढ़ाने के बाद वो दोबारा रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग्स वाली वीडियो को खोले और एक बार दोबारा समझ जाए। ठीक है, तो ये पूरा एक्सेस रिकॉर्डिंग का भी आपके पास रहेगा। बाय चांस अगर आपने, फॉर एग्जांपल, मैंने 10th ऑफ अक्टूबर को पढ़ाना फर्स्ट क्लास में और कोई बंदा है वो 15 अक्टूबर को ज्वाइन हो रहा है, तो उसकी दो क्लासेस मिस हो गई होंगी, तो उन लोगों को हम रिकॉर्डिंग्स भी भेज सकते हैं जो हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में उन्हें पढ़ाया है। ठीक है, तो इससे उनका फायदा होगा और नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइडेड होगी। अब आते हैं कि अब एक डाउट सब लोगों में आ रहा है, एक डाउट क्या आ रहा है कि जैसे 10th ऑफ अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है जिसमें एडवाइजरी और ये सब कुछ प्रोवाइड होगा। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर मैं 20th ऑफ अक्टूबर को ज्वाइन करता हूं तो क्या मुझे 20th ऑफ अक्टूबर से लेकर 20th ऑफ नवंबर तक का मेरे पास सब्सक्रिप्शन रहेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके पास 1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक का ही सब्सक्रिप्शन रहेगा अगर आप 28th ऑफ अक्टूबर को भी ज्वाइन होते हैं। ठीक है, अगर आप 28th ऑफ अक्टूबर को भी ज्वाइन होते हैं तब भी आपका 1 महीने का ही सब्सक्रिप्शन रहेगा, जो आपके पीछे क्लासेस छूटी होंगी उसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को भेज दी जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से होगा अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं, वरना मैं रिकमेंड करूँ कि हमारे बैचेस होने से पहले आप लोग ज्वाइन हो जाए करें। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे ज्वाइन होना है, क्या सिस्टम है, जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उन लोगों के लिए नहीं है, जो लोग इंटरेस्टेड है सिर्फ उन लोगों के लिए। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन है हमारा, उस पर जाइएगा, उस पर आपको ये गूगल का एक फॉर्म मिलेगा, ये गूगल वाला एक फॉर्म मिलेगा। अगर आप लोग पक्की बात ज्वाइन होना चाहते हैं तभी इस फॉर्म पे क्लिक करिएगा और आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को सबसे पहले फीस बता देता हूँ जो लोग सब लोगों के दिमाग में है। जो मैं पेड क्लाइंट्स की कॉल्स लेता हूँ, जो मैं भी पेड क्लाइंट्स हैं मेरे, उन लोगों से मैं जो चार्ज करता हूँ, मैं करता हूँ 5,000 रुपीज पर मंथ। जी हाँ, और जो मैं कोर्स पढ़ाता हूँ उसके जो मैं चार्जेस डिसाइड कर रहा था वो मैं कर रहा था 10,000 रुपीज पर कोर्स। तो टोटल मैं कितने चार्ज कर रहा था? 15,000 रुपीज। ठीक है, इन दोनों चीजों के। बट अब मैं कितना चार्ज कर रहा हूं? 450 रुपीज पर मंथ। हाँ जी गाइस, 1500 से मैं आ चुका हूं 450 रुपीज पे। तो अब आप लोगों के लिए आसानी होनी चाहिए ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि जब मैंने पहले वीडियोस बनाई थी और आप लोगों को कहा था कि आप लोग ज्वाइन हुए, तो आप लोगों ने कहा था कि मेरी बहुत महंगी है सर्विस या मेरे कोर्सेज बहुत महंगे हैं, तो कम करिए। अब मैंने कम कर दिया है, तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं अभी भी तो आप लोगों के पास अभी भी चांस है। सैटरडे से पहले आप लोग अप्लीकेबल या अप्लाई कर सकते हैं और सारी डिटेल सेंड कर सकते हैं। तो फीस ये है। अब ज्वाइन कैसे होना है आप लोगों को, यहाँ देख सकते हैं, टू सब्सक्राइब आवर सर्विस, आपके पास दो ऑप्शन है, या पेटीएम कर सकते हैं इस नंबर पे, या बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन। SBI का हमारा बैंक है, ये हमारी डिटेल्स है। जब आप पेमेंट कर देंगे 450 रुपीज का, उसके बाद आपको क्या करना है, ये नंबर आपको दिख रहा है, ये सारी डिटेल्स हम अपने डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे, आपको आसानी होगी ढूंढने में। ये नंबर पे आपको ये स्क्रीनशॉट, जो भी आपने पेमेंट करी होगी उसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है। ठीक है, और उसके साथ कुछ डिटेल्स भी लिखनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अपना नाम लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर सेंड करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस सेंड करेंगे, और डिस्कॉर्ड अगर आप लोगों ने डाउनलोड करा होगा तो डिस्कॉर्ड में जो भी यूजर नेम आप लोगों ने रखा है वो यूजर नेम आप सेंड करेंगे, क्योंकि यूजर नेम के बेसिस पे ही आप लोगों को पेड क्लाइंट्स के थ्रू ऐड करा जाएगा। हमारी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप है, उस पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोग ऐड हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताया। ये सारा कोर्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ये एडवाइजरी कॉल्स है, ये सारा कोर्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और आप डेफिनेटली द मेकिंग ऑफ अ स्टॉक पिकर बन जाएंगे डेफिनेटली काम करने के बाद, और मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं डिस्कॉर्ड पे, और डिस्कॉर्ड पे मैं कैसे आप लोगों को पता चलेगा पेमेंट करने के बाद, अगर जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है और जो इन फ्यूचर करना चाहते हैं उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोग ज्वाइन हो चुके हो, अब हम वहां बढ़ते हैं। ये हम आ गए अपने डिस्कॉर्ड के सर्वर पे। ठीक है, ये हमारा डिस्कॉर्ड का सर्वर है, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिख रहा है सर्वर स्टैट, यहाँ पर कितने मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देख रहा होगा
यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वेलकम का, यहाँ पर आप लोगों को वेलकम करा जा रहा है। ये कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स आप लोगों को पढ़ने होंगे। इसकी मैं डेडिकेटेड कैसे हमारे चैनल पे ज्वाइन करना है डिस्कॉर्ड पे और किस तरीके से आपको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड होंगे वो सारा की डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। आप डेफिनेटली उस डिस्क्रिप्शन पे आपको बहुत बेनिफिशियल चीजें मिलने वाली हैं, आप जाके उन्हें देखिए और आप समझिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। ये हमारा एक चैनल है फॉर एवरीवन चैनल है। इस पर पर्टिकुलर सारे हमारे यूट्यूब के मेंबर्स जुड़े हुए हैं, यहाँ पर उनके बीच में डिस्कशंस होता है। आप यहाँ देख सकते हैं लोग अपने डिस्कशंस करते हैं और पब्लिक लॉन्च है जहाँ पर हम ट्रेडिंग के अलावा कुछ बातें कर लेते हैं और अपने चार्ट्स विद एक्सप्लेनेशन हो गए, सारे चार्ट शेयर करते हैं, सब लोग करते हैं, देख सकते हैं सबकी क्वेरी सॉल्व होती है, सबके चार्ट शेयर होते हैं, सब लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं। अब आप देखिएगा जो लोग सिर्फ मेंबर है, जिन लोगों ने अभी तक पे नहीं करा, मतलब अभी तक मैं मान के चल रहा हूँ किसी ने भी पे नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को ऐड नहीं करा है, ठीक है। तो अभी आप लोग अभी अगर डिस्कॉर्ड ओपन करके देखेंगे तो आपको इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा नीचे। अगर अभी आप डिस्कॉर्ड खोल के देखेंगे आपको ये वाला तो दिखेगा ही नहीं, प्राइस सेक्शन जिसके अंदर कैंडल स्टिक पैटर्न है, डबल टॉप है, हेड एंड शोल्डर है, वेज है, कप एंड हैंडल है, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा हार्मोनिक पैटर्न्स का है, गाटले, बैट, बटरफ्लाई, ये ऑलरेडी कैटेगरीज बनी हुई है बट आप लोगों को नहीं दिखेंगी। और अब आते हैं बियॉन्ड टेक्निकल एनालिसिस, एडवाइजरी, ये जो चार कैटेगरी मैंने बना रखी है मैं आपको बता देता हूं, एक सेकेंड। प्राइस एक्शन वाली जो एक कैटेगरी है और हार्मोनिक वाली जो एक कैटेगरी है, बियॉन्ड टेक्निकल एनालिसिस वाली एक कैटेगरी है और एक एडवाइजरी वाली कैटेगरी है, ठीक है। ये आप लोगों को दिखेंगी नहीं, कोई भी देख ले उन लोगों को ये दिखेगा ही नहीं। बट उन लोगों को क्या दिखेगा, फॉर एवरीवन वाला है जिसपे सब लोग अपना डिस्कशन करते हैं, सब कुछ बात करते हैं, वो सबको दिखेगा बट ये किसी को भी नहीं दिखेगा, चाहे जिन लोगों ने पे करा हो चाहे ना करा हो, ठीक है। अब जिन लोगों ने पे कर दिया है उन लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर ये दिखना शुरू हो जाएगा और इसी के अंदर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसी के अंदर देख सकते हैं अनाउंसमेंट का चैनल है, आप लोगों को बताया जाएगा कब क्लासेस हैं, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या है, जूम मीटिंग के थ्रू पढ़ाया जाएगा, सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। और जो लोग अगली बार पे करेंगे उन लोगों को भी 24 घंटे के अंदर ये दिखना शुरू कर देगा बट जिन लोगों ने पे नहीं करा उन लोगों को ये दिखेगा नहीं। और अगर आपको बाय चांस दिख भी जाए और अगर आप क्लिक भी कर देंगे तो यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ कुछ भी नहीं दिखेगा, ना आप टाइप कर सकते हैं ना आपको लिखा हुआ कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये था इस तरीके से, तो ये जो हमारे पर्टिकुलर जो सीक्रेट चैनल कैटेगरीज बनी हुई है, एडवाइजरी, बियॉन्ड टेक्निकल, हार्मोनिक और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन, ये किसी को नहीं दिखेगा, जो भी पेड क्लाइंट्स होंगे सिर्फ उन लोगों को ही दिखेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस, मतलब जो भी मैंने आप लोगों को बताया। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, यहाँ साइड में आप देख सकते हैं एडमिन है और यहाँ पर प्रो है और यहाँ पर न्यूबी है, तो सब लोगों को कुछ कलर दे रखे हैं। अगर मैं बताऊं तो जो एडमिन है उन लोगों को रेड कलर दे रखा है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं नाम, आपके नाम पे कलर आ रहा है, किसी में ब्लू आ रहा है, किसी में पर्पल आ रहा है, तो जो एडमिन जब मैसेज करेगा तो रेड कलर से दिखेगा। एडमिन का काम क्या है, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अभी तो मैं एडमिन हूं, आज दो लोग और एडमिन ज्वाइन हो जाएंगे, पहले का नाम है ऋत्विक, ठीक है, एक का नाम ऋत्विक जी है, एक का नाम है यशवंत, ठीक है। दो लोगों को मैं और एडमिन कर रहा हूं, इन लोगों को मैंने ही पढ़ा रखा है, ठीक है, और अब ये लोग भी आप लोगों की मदद करेंगे आप लोगों को पढ़ाने में, सिखाने में, और फॉर एवरीवन ग्रुप के एडमिन ये दोनों हैं, ठीक है। अगर आप लोग कुछ गालियां लिखते हैं, मतलब अब्यूज करते हैं, कुछ उल्टा सीधा करते हैं, तो आप लोग इनके पास राइट है, ऋत्विक जी के पास और यशवंत जी के पास, आप लोगों को हटाने का या आपके खुद के मैसेजेस को डिलीट करने का, और आपकी सारी क्वेरीज को ये भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर आप शिवान बस, अगर मैं अवेलेबल बाय चांस कभी नहीं रहता हूं बट मैं अवेलेबल रहूंगा, अगर मैं नहीं रहता हूं तो इन दोनों से आप पूछ सकते हैं, इन दोनों को आप यहां पर एडमिन पे आपको शो कर जाएगा और आप लोगों से क्वेरीज अपना टैग करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अभी दो तीन एडमिन्स और ढूंढ रहा हूँ जिसमें एक होगा एडमिन फॉरेक्स का, जो पूरा आप लोगों को फॉरेक्स के बारे में ट्रेन करेगा, और कोई मैं एडमिन्स ढूंढ रहा हूँ जो आपको पूरा गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में ट्रेन करेगा, कमोडिटी के बारे में, तो जैसे ही वो होंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। और जो भी पेड क्लाइंट्स बनेंगे वो उन लोगों का जो कलर होगा वो होगा ग्रीन, ठीक है,
उन लोगों का कलर अपने आप ग्रीन हो जाएगा जैसे मैं उन्हें ऐड करूंगा, मैं उन्हें आज ऐड कर लूंगा, उनका कलर अपने आप ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, और उन्हें ये वाले चैनल्स भी शो करना शुरू हो जाएंगे। तो अब आप लोगों के लिए क्या है, जो लोग भी पेड क्लाइंट्स हैं वो लोग मैसेज इस पे जा तो सकते हैं, बट यहाँ पर वो लोग क्या कर सकते हैं, टाइप नहीं कर सकते, ठीक है, सॉरी यहाँ पर वो लोग टाइप कर सकते हैं बट एडवाइजरी, जो एडवाइजरी है एडवाइजरी के अंदर यहाँ पर सिर्फ मैं ही कॉल्स भेज सकता हूँ और कोई नहीं, और आपके जो भी डाउट्स होंगे लाइव मार्केट के अंदर वो यहाँ पर आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, जो एक सेशन है सिर्फ आप यहीं पर ही मैसेज कर सकते हो, इन पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था सारा कुछ, जो लोग भी पे कर चुके हैं पेशेंस के साथ रहिए, सैटरडे को क्लास स्टार्ट होनी है, उससे पहले पहले आप लोगों को ये सब देखना शुरू हो जाएगा, प्राइस एक्शन से लेके ये सारा कुछ, और आप लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके होंगे, ठीक है। और बाय चांस अगर कोई ज्वाइन नहीं हो पाता तो मुझे डायरेक्टली उसी नंबर पे मैसेज कर सकता है जिस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजा है, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा, अपने स्क्रीनशॉट के साथ भेज दीजिएगा कि मैं ऐड नहीं हुआ, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। तो ये थी मेरी आज की एनालिसिस, अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करिए गाइस, और डेफिनेटली ये बहुत 15,000 का जो मैं कोर्स था प्लस एडवाइजरी थी वो 450 रुपये में ले आया। किस लिए ले आया, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे, जो यंगस्टर्स थे, जो यूथ हैं, मुझे बस उन लोगों को ट्रेन करना है और मार्केट पे सस्टेन करने की, जो मैंने लिया था कि मैं लोगों को मार्केट में सस्टेन करूंगा, जितनी जल्दी मैं आ गया हूँ, मैं 11th और 10th क्लास के एंड से स्टॉक मार्केट में हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग आ रहे हैं यंगस्टर्स या यूथ आ रही है वो लोग भी आ जाए, और वो लोग जो बड़े बड़े 25-25, 30,000 के जो लोग कोर्सेज बेचते हैं उनके पास ना जाके जब मैं उन लोगों को अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ तो वो हमारे पास आए। और मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छे से ट्रेन करूंगा, मैं आप लोगों को प्रूफ दे रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, आप वहां पर जाके टेक्निकल एनालिसिस की ही मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ, आप 10-12 वीडियोज देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छे से नहीं समझा रहा तो डेफिनेटली मैं नहीं आपको बोल रहा, फोर्स कर रहा कि आप ज्वाइन करिए, बट अगर आप लोगों को लगता है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, कोई और डाउट्स आते हैं इससे रिलेटेड तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, बट जनरली मैं सारा कुछ कवर कर चुका हूँ, और जो लोग भी मैं बता चुका हूँ, जो भी टाइमिंग्स किसके थ्रू पढ़ाया जाएगा क्या होगा, तो वो सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो चीज़ दोबारा मत पूछिएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे, साइनिंग।